एक एक कॉफ़ी दे दीजिए. कौन सा कॉफ़ी दे ये वाला दे दो. दिस इज़ द विदाउट मिल्क सर, ब्लैक कॉफ़ी. वो लाते 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 ओके थैंक यू सर. या थैंक यू. हेलो मैडम, सॉरी टू डिस्टर्ब. आई एम नॉट डिस्टर्बिंग, एम आई? आई एक्चुअली वांटेड टू से हेलो. Actually, I've been observing you for a long time. Achha? Sorry to disturb. If you're busy, इसे busy होना नहीं कहते. ये भी है. पर कुछ ladies को ये बहुत ज़रूरी लगता है ये सब पढ़ना. तरह तरह के लोग होते हैं, वैसे भी ladies होती हैं और आप जैसे भी. मेरी जैसी? नहीं मैडम, बात को उल्टा मत लेना. ये भी एक बात है, मतलब बात को पलट देना एक 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 अदा है. आपको अक्सर देखा है यहाँ पे, हमेशा सुंदर सी साड़ी. एक भी साड़ी नहीं दिखेगी यहाँ पे, बाहर रोड पे भी नहीं दिखती. तरस जाता है आदमी. मतलब कल्चर की बात है. सुंदर चीज़ है साड़ी, लेडीज़ पे सूट करती है. मतलब ये मेरी फीलिंग है, मेरी पर्सनल फीलिंग. वैसे तो सब चलता है, मतलब साड़ी नो साड़ी चलता है. आपको देख के लगता है आप कुछ स्पेशल काम करती हैं. किस तरह का स्पेशल काम? मैडम ऐसे वैसे मत लीजिए, मेरा मतलब अच्छा काम. मतलब जैसे 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 बच्चों के साथ कुछ टीचर, और वो भी स्पेशल टीचर, गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाती होंगी. नहीं तो फिर किसी एनजीओ में, तो महिलाओं के हक के लिए. नहीं योगा सिखाती होंगी आप. बहुत शांति है आपके चेहरे पे, माथे पे कोई शिकन नहीं, हल्की सी स्माइल. अंदर से आता है ये, दिल से. आप करती क्या है मैडम? नहीं कोई रीज़न नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा पूछ के देख लूँ. कोई बात नहीं. ज़रूरत से ज़्यादा कड़वी बनाती है कॉफ़ी आजकल. आप कभी कॉफ़ी हाउस गई? छोटे शहरों में अभी भी चलते हैं. घूमती बहुत होंगी आप, ना ना? मैं समझ गया, आप लगती हैं वेल ट्रैवल्ड. अपनी पर्सनालिटी से लगता है कि दुनिया देखी होगी. आसपास रहती हैं आप? नहीं सॉरी, मतलब वैसे लेडी से पूछना नहीं चाहिए. लेंगी? थोड़ा लीजिए, आधा तो हो ही गया है. मतलब किस्मत में आधा ही लिखा था. आप ज़्यादा बोलती नहीं है ना, मैंने ऑब्जर्व किया है. चुपचाप आके इधर बैठ जाती है. पहले मैंने सोचा आप किसी का वेट कर रही होंगी, पर आप हमेशा अकेले दिखती हैं. फिर उठ के चली जाती हैं एकदम से. ऑब्जर्व किया है मैंने. मैं बैंक में काम करता हूँ, अकेले रहता हूँ. डिवोर्स हुआ था, एक महीने चला, पता नहीं. आप माइंड तो नहीं कर रही ना? मैं यहीं रहता हूँ, लेफ्ट वाली रोड में, अलका में. बालकनी है, पाम ट्रीज का व्यू भी है. लास्ट ईएमआई पे कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ. अकेले होने का फ़ायदा, खर्चे ही नहीं. तभी कॉफ़ी पे उड़ा देता हूँ कभी कभी. मैडम मतलब आई एम नॉट अ डेंजरस फेलो, पर आपको थोड़ा फॉलो भी किया था एक बार. नहीं सिर्फ बाहर तक, गाड़ी तक, घर तक नहीं. इंटेंशन वॉज नॉट एनीथिंग. आपको बुरा लगा? सॉरी मैडम, सॉरी. नहीं सिर्फ गाड़ी तक. आपकी वो ब्लू कलर की गाड़ी है ना, बिल्कुल बैलेंस्ड आपकी पर्सनैलिटी की तरह.
मेरी ब्लैक कलर की एस्टीम है। ऐसा वैसे कोई इंटेंशन नहीं था मैडम। आप जा रही हैं, आप माइंड कर रही हैं? नहीं, थोड़ा सा काम है, जल्दी है। तो आप वापस आएंगी यहाँ? मतलब आज नहीं, फिर कभी। हाँ, आप यहाँ आएंगे? अलका में कौन से फ्लोर पे थे? 902 लिफ्ट लेट तो राइट साइड 9th फ्लोर। सुनो, गाड़ी बदल दो। अच्छा सुनो, एक काम है। वो एक बंदा है 40-42 साल का, अलका में रहता है 902। कुछ किया नहीं है, अकेले रहता है, कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है, उसने मुझे बताया है। काम होने के बाद मुझे फ़ोन करना।